नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। कोविड 19 के दौरान हिमाचल प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में सरकार द्वारा जारी एसओपी का पूरा ख्याल रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही छात्रों की सहूलियत के लिए आसान पेपर बनाने की तैयारियों में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। ये कहना है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी का। जी हां, बिलासपुर पहुंचे सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना महामारी का सीधा असर स्कूलों पर पड़ा है और छात्रों को ऑनलाइन क्लास पर निर्भर रहना पड़ा है। वहीं अब 5वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर परीक्षाओं में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में छात्रों की सहूलियत को देखते हुए इस बार परीक्षा पेपर में 40% आसान सवाल, 40% सामान्य व केवल 20% ही मुश्किल सवाल शामिल किए जाएंगे, ताकि छात्रों को पास होने में आसानी रहे। इसके साथ ही कोविड 19 को लेकर एसओपी के आधार पर बोर्ड प्रबंधन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जहां ज्यादा छात्रों की संख्या है वहां सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2042 तक बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेमी बोर्ड की परीक्षा मार्च महीने में आयोजित की जाएगी। मार्च माह में ही परीक्षा परिणाम आने के बाद नया सत्र अप्रैल माह में शुरू हो जाएगा। हमने जो बोर्ड के एग्जाम होने हैं वो इस तरह से डिजाइन किए हैं कि पेपर जो होगा वो 70% सिलेबस से आएगा, 30% उसमें कट लगाया है और 30% ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे। ये इसलिए किया गया है कि बच्चों में स्ट्रेस ना हो और ठीक प्रकार से बच्चा पेपर दे पाए, और जो पेपर का फॉर्मेट है उसको भी थोड़ा बदलने का और तरीके से किया गया है। 40% जो क्वेश्चन होंगे बहुत इजी होंगे, 40% जो क्वेश्चंस नेक्स्ट होंगे वो एवरेज होंगे और 20% हार्ड होंगे जो मेरिटोरियस बच्चा कर पाए, यानी आसानी से बच्चे पास हो सकेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम पेपर कर पाएंगे। इसके लिए पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो 2042 थे, और अब जहाँ जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है, उनको हम देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ बच्चे किसी अन्य सेंटर में और सेंटर हम बना दें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 2042 से ज़्यादा सेंटर अब होंगे, तो उनमें हम ठीक प्रकार से ये कार्य कर पाएँ। और वर्ष भर जहाँ बोर्ड की बात है तो हमने किसी भी गतिविधि को रोका नहीं और बड़े बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारे काम को ये किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी की पूरी गाइडलाइंस के आधार पर। आगे भी एसओपी जो है उसको हम फॉलो करेंगे और एग्ज़ाम को ठीक प्रकार से करेंगे। जहाँ तक सेमी बोर्ड के जितने भी कक्षा हैं उनका भी एग्ज़ाम हम करेंगे, वो सारा एग्ज़ाम जो है मार्च में ख़त्म हो जाएगा और अगला सेशन जो है अप्रैल में हम प्रारंभ कर देंगे। लेकिन बोर्ड की कक्षाएँ के जो एग्ज़ाम हैं थोड़ा वो मई तक जाएंगे और थोड़ा हो सकता है डिले हो कि रिजल्ट निकालने में थोड़ा डिले हो, लेकिन इसको हम पर्याप्त टाइम में कर देंगे। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन्स होती हैं वो जून 18 को होती हैं, तो जून 18 से पहले हम रिजल्ट को निकाल देंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी विद्यार्थी को नहीं रहेगी।